हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत फॉर यू में। तो फ्रेंड, अगर आप भी इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियो अपलोड करते हो तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को डेडिकेट करने वाला हूँ। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता चाहूँ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, वहाँ पे 1 लाख व्यूज कैसे ला सकते हो, वो भी एक दिनों के अंदर। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों से 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग इन 3 पॉइंट को फॉलो करते हो तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली के साथ बोल सकता हूं जो भी आप लोगों का टारगेट है 1 लाख व्यूज लाने का इंस्टाग्राम रील्स पे, वो भी एक दिन में, वो आप लोग अचीव कर पाओगे। तो फ्रेंड, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां पे मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। तो चले फ्रेंड, शुरू करते हैं। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हो हेमंत फॉर यू। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी सारी अपडेट इंस्टाग्राम पे भी लाइव होती है। तो चले फ्रेंड, सब बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट 1 लाख व्यूज वो भी इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर एक दिन में। उन 3 पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आओ। तो मैं आप लोगों को बता चाहूँ फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पॉइंट के बारे में फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को बता चाहूँ तो पहले नंबर होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। अब आप लोगों में से काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढते कैसे कैसे आप लोग ये जान सकते हो कि आप लोगों का जो भी नीचे उसके हिसाब से कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में कैसे आप लोग जान सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड, सिंपली आप लोगों को करना क्या, सबसे पहले मैं फ्री में बता देता हूँ कि फ्री में कैसे आप लोग जान सकते हो कि क्या चीजें ट्रेंड चल रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को पैड वर्जन भी बता दूंगा कि पैड वर्जन आप लोग कैसे पता लगा सकते हो, जो भी आप लोगों को नीचे उसमें क्या कोई ट्रेंड चल रहा है, किस पे हम लोगों को वीडियो बनाना चाहिए। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि गूगल के ट्रेंड में आ जाना है। वहां पे आने के बाद जो भी आप लोगों का नीचे उससे रिलेटिव आप लोगों को ट्रेंडिंग टॉपिक देखना होगा कि क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है। जैसे मेरा नीच क्या है, मान लो मैं वीडियो बनाता हूं टेक्निकल के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर मैं मान लो वीडियो बनाता हूं, तो वहां पे मैं देखूंगा कौन कौन से फोन लॉन्च हुए, क्या कुछ गैजेट में नया चल रहा है, उसके बारे में ट्राई करूंगा वीडियो बना पाऊं। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर कोई मॉडल नया लॉन्च होता है तो उस दिन उसकी सर्चेस काफी ज्यादा हाई होती है। अगर आप लोग उसके ग्राफ की बात करो तो इस तरीके का ग्राफ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जितना ज्यादा टाइम आप लोग स्पेंड करोगे रिसर्च में देखने में ट्राई करोगे तो वहां पे आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें दिख जाएगी। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल ट्रेंड काफी अच्छा टूल है जहां से आप लोग ये पता लगा सकते हो क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है। वहां पे आप लोग सिंपली ग्राफ भी देख पाओगे कि किस तरीके का ग्राफ चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये टारगेट करने जा रहे हो कि 1 लाख व्यूज लाना वो भी एक दिनों के अंदर, तो आप लोगों को ट्रेंडिंग टॉपिक कभी भी मिस नहीं करना। क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर वीडियो बना देते हो तो वो काफी ज्यादा ये चांसेस होता है कि वो वायरल हो जाए, और अगर वहां पे आप लोग काफी अच्छे हैशटैग यूज कर देते हो तो वहां पे वो रैंक भी कर जाएगी। काफी बार ऐसे भी होगा कि वो एक्सप्लोर टैब पे भी चले जाए। आप लोगों को पता है अगर एक्सप्लोर टैब पे चले जाता है तो काफी सारे जो भी आप लोगों को व्यूज है वहीं से आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने ये टारगेट सेट किया कि 1 लाख व्यूज लाना है वो भी एक दिनों के अंदर इंस्टाग्राम रील्स पे, तो ट्रेंडिंग टॉपिक को कभी भी मिस नहीं करो। ट्राई करना कि ट्रेंडिंग टॉपिक को हमेशा वीडियो बनाते रहो, तो वहां पे आप लोगों को काफी जल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये सबसे पहले नंबर का पॉइंट है कि ट्रेंडिंग टॉपिक को आप लोगों को कभी भी मिस नहीं करना। अगर आप लोग ये टारगेट सेट करो कि 1 लाख व्यूज लाना है एक दिनों के अंदर इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो ट्रेंडिंग टॉपिक को हमेशा ट्राई करो कि डेली के कम से कम एक वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक पर डाल सको। क्योंकि आप लोगों को पता है इस टाइम इंस्टाग्राम रील्स काफी ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ दे रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता जो दूसरे नंबर था स्टोरी बेस्ड कंटेंट। अब आप लोगों में से काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि स्टोरी बेस्ड कंटेंट और इंस्टाग्राम रील्स के वायरल होने पे क्या कनेक्शन है, और कैसे आप लोग स्टोरी बेस्ड कंटेंट बना के जो भी आप लोगों का टारगेट है 1 लाख व्यूज लाने का वो भी एक दिन में, इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ ताकि इससे रिलेटेड जितना भी आप लोगों का डाउट है वो सॉल्व आउट हो सके। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया के लोग काफी ज्यादा सेंटीमेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग कैसे भी तरीके के स्टोरी बेस बना सकते हो और लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, इंगेजमेंट वहाँ पे काफी अच्छा ला पाते हो, तो काफी बार ये चांसेस होगा कि जो भी आप लोगों को वीडियो वो डायरेक्टली वायरल हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोग टीवी देखते हो या यूट्यूब देखते हो तो वहाँ पे आप लोग देखोगे जो भी वहाँ पे एड्स चला जाते हैं वहाँ पे स्टोरी बेस काफी ज्यादा टारगेट किया जाता है। कैसे वहाँ पे आप लोग इमोशंस के साथ खेल सकते हो, कैसे आप लोग टारगेट कर सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग सही डायरेक्शन में काम करोगे स्टोरी बेस्ड कंटेंट बना पाओगे, 10 सेकंड के अंदर आप कोई स्टोरी बता पा रहे हो तो वहां पे काफी बार चांसेस होगा कि जो भी आप लोगों का वीडियो वो वायरल हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, अगर आप लोग ये टारगेट बना रहे हो कि 1 लाख व्यूज लाना है वो भी एक दिनों के अंदर इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो आप लोगों को करना क्या, स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाना है। आप लोगों को ये ट्राई करना है कि सबसे पहले आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो डाल दो, उसके बाद आप लोगों को ये भी ट्राई करना कि स्टोरी बेस्ड कंटेंट कैसे आप लोग डिलीवर कर पा रहे हो और वहां पे एंगेजमेंट रेट को कैसे बढ़ा पा रहे हो। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोग स्टोरी बेस्ड कंटेंट बना रहे
क्लासेस है, तो वहाँ पे काफी लोग, ऐसा भी होगा कि काफी लोगों का अगर वो वीडियो पसंद आ रहा है तो काफी लोग उसको शेयर करेंगे, काफी लोग सेव करेंगे, काफी लोग अपने स्टोरी पे भी लगाएंगे, काफी लोग मैसेज पे शेयर करेंगे। तो वहाँ पे होगा क्या कि ओवरऑल जो भी आप लोगों का वीडियो, वहाँ पे उसका एंगेजमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उसका एंगेजमेंट रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब इंस्टाग्राम रील्स का जो भी एल्गोरिथम है वो उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता, जो मैं वीडियो लेके आया था इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, वहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि इंस्टाग्राम रील्स के एल्गोरिथम ओवरऑल एंगेजमेंट रेट के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एंगेजमेंट रेट को बढ़ा पाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का वीडियो वायरल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता, जो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर आप लोग इसको पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस करोगे तो ये सारी चीजें समझ पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि स्टोरी बेस्ड कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ट्राई करना कि वीक में कम से कम आप लोग 2 या 3 स्टोरी बेस्ड कंटेंट डाल पाओ, तो वहां पे आप लोगों को काफी जल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, ये दूसरे नंबर का पॉइंट था। तो अगर मैं थर्ड और लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करूं फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को बता दूं तीसरे नंबर में था अकाउंट रीचेबिलिटी। अब ये क्या होता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि अकाउंट रीचेबिलिटी होता क्या और कैसे आप लोग इसको इंप्रूव कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये टारगेट कर रहे हो यार 1 लाख व्यूज लाना है, वो भी 1 दिन के अंदर इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो आप लोगों का अकाउंट रीचेबिलिटी वो काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, काफी लोगों तक आप लोगों का अकाउंट जाना चाहिए। अब ये होगा कैसे, ये इस तरीके से हो सकता है कि आप लोगों का जो भी अकाउंट है वहां पे एंगेजमेंट रेट बढ़ता चला जाए, तभी वो ज्यादा लोगों तक जाएगा, एक्सप्लोर टाइप पे जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, स्टोरी बेस्ड कंटेंट बना रहे हो, वहां पे काफी अच्छे हैशटैग यूज कर रहे हो, शेयरेबल कंटेंट बना रहे हो, तो वहां पे जो भी आप लोगों के अकाउंट की रीचेबिलिटी वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। और अगर वो बढ़ते चले जा रही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी आप लोग टारगेट सेट करो वो भी बढ़ते चले जाएगा। वहां पे आप लोगों को 1 लाख का टारगेट है वो भी आप लोग अचीव कर पाओगे, अगर आप लोग 2 लाख का टारगेट सेट करें तो वो भी आप लोग अचीव कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप लोग एक चीज पे काम कर रहे हो, एक पैरामीटर पे काम कर रहे हो, तो दूसरी पैरामीटर ऑटोमेटिकली फील होते चली जाती। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि अकाउंट रीचेबिलिटी भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप लोग ये टारगेट करो कि यार 1 लाख व्यूज करना है, वो भी 1 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो अकाउंट रीचेबिलिटी आप लोगों को ये देखना है कैसे मैं अकाउंट रीचेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। क्या मैं शेयरेबल वीडियो बना सकता हूँ, क्या मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूँ कि लोग उसको डाउनलोड करें, क्या मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूँ जिसको लोग शेयर करें। इस तरीके का आप लोगों को अपने आप को चैलेंज करना होगा, तभी आप लोगों को जो भी अकाउंट है वहाँ पे उसके अकाउंट की रीचेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर आप लोगों के अकाउंट की रीचेबिलिटी बढ़ रही है, इसका ओवरऑल ये मतलब हो रहा है कि आप लोगों का जो भी अकाउंट है वो वायरल की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, बट इस पर भी आप लोगों को काम करना है कि कैसे आप लोग अकाउंट की रीचेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाते हो। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल से समझना चाहते हो, एक सेपरेट वीडियो जानना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बता देना, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि अकाउंट रीचेबिलिटी को किस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स है जिसपे आप लोगों को काम करें, वहां पर डिटेल से समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को जो भी वीडियो या इंस्टाग्राम रील्स पे जो भी आप लोग वीडियो अपलोड करें उस पर अगर आप लोग 1 लाख व्यूज लाना चाहते हो, तो इन 3 पॉइंट पे आप लोगों को काम करना। अगर आप लोग इन 3 पे रेगुलर बेसिस पे काम करते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 3 पॉइंट मैं आप लोगों को बताया, ये इसी तरीके से बताया कि कैसे आप लोगों को जो भी वीडियो उसको वायरल करा सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो काफी बार ऐसे चांसेस होगा, अगर आप लोग सबसे पहले बना देते हो तो वो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों को जो भी अकाउंट की रीचेबिलिटी उसको आप लोग बढ़ा देते हो, इसका ओवरऑल यही मतलब हो रहा है कि आप लोगों को जो भी अकाउंट वो वायरल की तरफ जा रही है। अगर आप लोग स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाओगे तो वहां पे आप लोगों का एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, काफी लोग डाउनलोड करेंगे, काफी लोग सेव करेंगे, काफी लोग शेयर करेंगे, काफी लोग कमेंट करेंगे, काफी लोग लाइक करेंगे, तो इस तरीके से एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा। और एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा तो ओवरऑल सी बात है जो भी आप लोगों के अकाउंट की परफॉर्मेंस है वहां पे इंस्टाग्राम रील्स का जो भी एल्गोरिथम है वो आप लोगों को सपोर्ट करने लग जाए। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, अगर आप लोग ये टारगेट करो यार 1 लाख व्यूज लाना इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो आप लोगों को ये समझ होगा कैसे मैं अपने वीडियोस को वायरल करा सकता हूँ, कौन कौन सी मैट्रिक्स पर मैं काम करता हूँ कि मुझे ऐसा रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, ये 3 पॉइंट थे जिस पे आप लोगों को काम करना। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, अगर आप लोगों को लगता है इसके अलावा कुछ और पॉइंट होना चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, अगर लगेगा उसके बारे में वीडियो बना देना चाहिए, सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आई होप इससे रिलेटेड जितना भी आप लोगों का डाउट था वो सॉल्व आउट हो गया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कुछ और डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता देना, इंस्टाग्राम में मुझे DM कर देना, पर्सनली मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, ताकि आप लोग इस तरीके की बातों से अपडेट रह सको। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक अपने आसपास सफाई रखें, अपने छोटे बड़ों का ध्यान रखें। जय हिंद।